चलिए इधर देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास सिक्स है अतीत से, है ना? तो हम लोग पढ़ लिए थे शहरीकरण, पढ़ लिए थे, है ना? उसके बाद शहरीकरण में हमने सबसे जो प्राचीन सभ्यता हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़े थे कि कैसे जो है हड़प्पा संस्कृति जो है बना और कैसे जो है हड़प्पा संस्कृति का विनाश, है ना? और हड़प्पा संस्कृति में क्या था, है ना? आज एक और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, एक और सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, है ना? तो अध्याय आपका छह, अध्याय छह जीवन के विभिन्न आयाम, जीवन के विभिन्न आयाम, ये जो जीवन है ना उसका विभिन्न आयाम के बारे में हमको इस अध्याय में पढ़ना है ना। सारी कर्म कांड, धर्म, आशास्त्र, है ना, गुरुकुल, ये सब चीज के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। कॉपी कलम निकाल लिया, ये सब जो मेन मेन बातें हैं जो नोट करते जाइएगा, है ना? जो दिमाग से इधर से जाएगा इधर से निकल जाएगा, है ना? अब देखिए आपका हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, पतन हुआ, उसके बाद एक नए शहर का जो बसना शुरू हुआ भारत के पश्चिम और उत्तर में, पश्चिम उत्तर में, उसका नाम दिया गया आर्य संस्कृति, आर्य संस्कृति, है ना? और साहित्य और पुरातत्वों के स्रोत से जो जानकारी मिली इसका नाम रखा गया वैदिक काल। क्या रखा गया? वैदिक काल, है ना? आर्य का कहिए या वैदिक काल, ये वैदिक काल जो है आपका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 600 ईसा पूर्व। लेकिन इस वैदिक काल को दो काल खंडों में बांट दिया, दो काल, एक को बांटा गया पूर्व वैदिक काल और एक को बांटा गया उत्तर वैदिक काल। आपका जो है पूर्व वैदिक काल का जो समय था, काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, है ना? और उत्तर वैदिक काल को जो बांटा गया आपको 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक ना? अब देखिए उस समय जो था वैदिक युग का प्रारंभ हुआ, लेकिन लिखित रूप से ये आपका वेद नहीं था। वेद क्या था? मौखिक था। वेद क्या था? मौखिक था। इसे श्रुति भी कहा जाता है और सुना हुआ भी वेद कहा जाता है, है ना? सुना हुआ। आप अपने घर में नाना नानी दादा दादी से कहानी सुनते हैं, yes, जो नाना नानी से कहानी सुने हम अपने बच्चों को कहानी सुनाए, yes, फिर वो अपने बच्चों को कहानी सुनाया, yes, है ना? yes. क्या हुआ? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सुन के ही बात गई, है ना? उसी तरह से वेद जो था लिखित नहीं था,
है ना, चुन के ही उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण बहुत सदियों तक होते हैं। उसके बाद इसको वेद को लिखित रूप में इसको लिखा गया है ना। तो आपका कुल वेदों की संख्या कितनी है? चार। कितनी है? चार। उसमें आपको है ऋग वेद, आयुर्वेद, साम वेद और अर्थ। अब जो है आपका ऋग वेद को रखा गया आपको पूर्व वैदिक काल। और बाकी बच गया तीन वेद ना, आपको जो बच गया आयुर्वेद, साम वेद और अर्थ वेद, इसको रखा गया उत्तर वैदिक काल। समझिए। उसके बाद जो है आपका वेद मूलतः क्या था? एक प्रासंस्कृत भाषा, प्रासंस्कृत भाषा जो आज का आप संस्कृत पढ़ते हैं, और पहले का जो प्रासंस्कृत था दोनों में काफी अंतर है ना। और ये आपका जो भाषा है संस्कृत जो था प्राकृत संस्कृत, वो भी लिया गया था भारो यूरोपीय भाषा का ही एक अंग था। भारो यूरोपीय भाषा का ही एक अंग था। देखिए आपको इसलिए कि आप माता को बोलते हैं मातृ, कि मातृ जो हुआ ये संस्कृत भाषा माँ बोलती है, माँ वो आपका हिंदी होगी, मदर इंग्लिश होगी है ना, अंग्रेजी, और उसको बाद बोलते हैं मेटर। ये जर्मनी में माँ को मेटर बोला जाता है जर्मनी में है ना। तो क्या था ये जो भाषा था उसका ही एक अंग। और जहां तक बताया जाता है कि आज जो है आपको कहां से आया, उधर से ही आया था है ना, पश्चिम में बसा है ना। और वो जहां पर बसा था आजों का जो है कई टुकड़ियों में आके बसा है ना, एक बार वो नहीं आए, कई टुकड़ियों में आके बसते गए, कहां? भारत के पश्चिम और उत्तर में है ना। जहां पर उनका बसा हुआ था वो आपको वैदिक आज कई समूह में आए थे। अब उसका एक नाम दिया गया था, उसका एक नाम दिया गया था सब सैंधव जो है अभी आपका वर्तमान में पंजाब में, जो आपका ये भारत की नक्शा में देख रहे हैं पंजाब, यस सर, ये देखिए पंजाब है ना पंजाब, yes, तो वहीं पर आके आज लोग बसे है ना। yes. उसके बाद क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में जो सत सैंधव है वो क्या हुआ, संपूर्ण गंगा है ना जमुना द्वार क्षेत्र में बसते चले वहां से, और बसते बसते आपका जो बिहार है ना उत्तरी बिहार गंडक है ना वहां तक आपको ये लोग बसे कौन आर्य। अब देखिए आर्य का जो भाषा था प्राकृत संस्कृत था, कुछ यहां के भी लोग थे स्थानीय, उन लोग उस भाषा को बढ़िया से नहीं समझ पाते थे है ना। yes. आप जब आगे की कक्षा में जाइएगा तो आप विस्तार से पढ़िएगा है ना। yes. आर्य अनार्य के बारे में पढ़िएगा जब आप 10th क्लास में जाइएगा, तब तो भाषा को नहीं समझ पाता था। अब वहां हुआ क्या, आपस में कभी कभी लड़ाई भी हुआ आर्य वाला और जो यहाँ के लोग था है ना। yes. इनका कहना था माने कि संस्कृत में भाषा है, श्लोक है, पूजा है, पाठ है, धर्म है, कांड है, कर्मकांड है, नहीं आता था, तो जो यहाँ के लोग थे उनको कहते थे कि विरोधी
है ना, कहीं कहीं टकराव भी हुआ है ना, कि भाई ये लोग जो है कि जग का एक आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इस जो है वैदिक काल में जो मुख्य रूप से जो यहाँ पर लोगों का जो आर्यों का जो पेशा था पशुपालन, पशुपालन कृषि है ना। अब है कृषि हुआ, जंगल कटने लगी खेती के लिए, पहले जंगल था ना, आपने पढ़े ना, आपका पिछले अध्याय में पढ़े थे ना कि मानव जो है जंगलों में कंदराओं में गुफाओं में रहते थे, आदि मानव के रूप में रहते थे, और सब तो विकसित नहीं था है ना। आपको जानते हैं इसमें किया जाने कि आप जो कल पढ़े हड़प्पा की संस्कृति का, हड़प्पा संस्कृति का जब से खोज नहीं हुआ तब तक आपको इसी को वैदिक काल को ही माना जाता था प्राचीन सभ्यता, कि सबसे भारत के प्राचीन सभ्यता ये है। कब तक? जब तक कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में खोज नहीं हुआ है ना। एक ग्रामीण जीवन जीते थे, वैदिक काल के जो जीवन था वो ग्रामीण जीवन था, गांव की जीवन था है ना। और वो क्या था हड़प्पा, क्या था शहरीकरण जीवन था। तो जब तक उसका खोज नहीं हुआ था तो लोग समझते थे कि यही जो है वैदिक काल, ये हमारा भारत की प्राचीन सभ्यता। लेकिन जब उसका खोज हुआ तो हुआ कि नहीं, ये वैदिक जो है आपको नया है और हड़प्पा पुराना सभ्यता और संस्कृति। अब देखिए बसते बसते गंडक तक चले आए, इनका मुख्य पेशा था कृषि है ना, पशुपालन, जंगल कटने लगा, कई तरह की आपको बे यज्ञ होना, अश्वमेध यज्ञ होता थे, कबीला एक कबीला है, एक कबीला और कभी कभी स्थानीय लोगों में काफी लड़ाई भी है ना। गौ रक्षा उस वैदिक काल में बहुत प्रधानता था, गौ रक्षा के लिए राजन की बहाली की जाती थी, राजन इससे होता है ना कि अभी सिपाही को बहाली किया जाता है ना, रक्षा के लिए है ना। उस समय आपके एक राजन की आपकी उसको नियुक्ति किया जाता है ना। अब देखिए तो वेद तो हो गया आपका कै गो, चार गो, उसके बाद है ब्राह्मण आपका नौ गो हो गया, अरण्य छ, और प्रारंभ उपनिषद 13 और कुल उपनिषद 108 बताए। तो आपको इस तरह से वैदिक सभ्यता का विकास होते गया। वैदिक सभ्यता में लौह युग का भी शुरुआत हुआ, जो खुदाई में हस्तिनापुर वगैरह में जो है बहुत सा शस्त्र वगैरह मिला था है ना। खुदाई जब हुआ तो हस्तिनापुर जानते हैं ना, हस्तिनापुर जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई थी है ना, मिला था। उसके साथ साथ जो है संजम जो है सिंधु नदी है ना, उसके मुख नदी है, उसकी सहायक नदियां में आपको और पांच को है सतजल, ब्यास, झेलम, चिनाब और रावी तथा सरस्वती द्वेर है ना। सरस्वती द्वेर मतलब, द्वेर का मतलब होता है दो नदियों का जो बीच का है ना, द्वेर है ना। इस तरह से आपको वैदिक काल का क्या हो विकास हुआ, उसमें पशुपालन बहुत बड़ा भूमिका था है ना। यज्ञ होता, बताए ही जंगल को काटना, फिर स्थानीय लोगों उसमें लड़ाई हुई, उसमें देवी देवताओं का पूजा का बहुत चलन था। आपको इंद्र भगवान का पूजा है ना, अग्नि देवता का पूजा, सोम का पूजा, यानी पेड़ पौधों का भी पूजा होता था। आज भी हम लोग यहाँ पूजा होता है ना, पेड़ पौधा का, वट वृक्ष होता है ना, तो आज भी होता है, होना भी चाहिए पेड़ का पूजा, इसलिए कि पेड़ क्या है, हमें जीवन दाता है ना। पढ़ाए थे आपको विज्ञान में, पर्यावरण में, क्या है ना, पीता हूँ विष देता हूँ अमृत, पीता हूँ विष देता हूँ अमृत। इस तरह से आपको वैदिक युग में जो है आपका उसका क्या खाना पीना था, क्या रहन सहन क्या था है ना। अब देखिए जो एक वैदिक काल में है शिक्षा,
वैदिक काल की शिक्षा, इसको बढ़िया से समझिए। आज आप स्कूल में पढ़ रहे है ना, पंखा लगा हुआ है, सब चीज लगा हुआ है, सारी संसाधन है ना। और उस समय का जो शिक्षा है वैदिक काल में, इसको देखें कि दोनों में क्या अंतर है ना। वो वैदिक काल में जो शिक्षा था है ना, गुरु शिष्य परंपरा, एक झलक हम बताते हैं एक कहानी के बाद, गुरु शिष्य की परंपरा है ना। पहले जो होता था आश्रम होता, आश्रम है ना, एक आश्रम था अमोल धम में, ऋषि आश्रम लिख लीजिए, अमोल धम में ऋषि आश्रम। इस आश्रम में ऋषि मुनियों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी वेदों का, वेदों को अलावे व्याकरण और गणित एवं संस्कार की भी शिक्षा दी जाती है ना, मुख्य रूप से वेद। और समझिए कि अभी आपके पास कॉपी है, किताब है, स्मार्ट क्लास होती है, लेकिन उस समय ये सब सारी व्यवस्था नहीं थी। और उस सभी वेदों का जो मूल बातें था उसको जो शिष्य पढ़ते थे उसको कंठस्थ आज कर देना होगा दिमाग। अभी तो इधर से बोल लिया, उधर से निकल गया है ना। तो इस तरह से वैदिक काल में शिक्षा का साधन था। और जानिए कि यहाँ जो जाते थे आश्रम में शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, उनको 12 वर्षों तक आश्रम में ही रह के शिक्षा ग्रहण करना होता था, 12 वर्षों। और जो शिष्य वहां रहते थे वहां क्या होता था, आश्रम का कुछ अपना खेत होता था, गुरु के साथ शिष्य भी वो काम करते थे खेतों में, और उसी से क्या करते थे, अपना भोजन करते थे, खाना खाते। इस तरह का गुरु और शिष्य का परंपरा है वैदिक काल। अभी क्या परंपरा है तो आप लोग जानेंगे, अभी तो हम लोग जानेंगे, बच्चा भी जानेगा और गुरु भी जानेगा कि क्या परंपरा है, वैदिक काल वाला परंपरा है कि नहीं है। वैदिक काल में मना रहा गुरु गोविंद दो खड़ा काको लागू पाओ, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताओ, ऐसी परंपरा। तो ये झलक देखिए कि इस आश्रम में एक शिष्य था, उसका नाम था आरुणी, उसका नाम था आरुणी। एक दिन की बात है कि बहुत जोर से बारिश होनी, गुरु ने आरुणी से कहा कि देखो बच्चे पानी पड़ने वाले हैं, खेत में चले जाए, देख लीजिए कहीं मेल टूट न जाए, पानी कहीं बर्बाद न हो। गुरु की बात, शिष्य की परंपरा, गुरु की बात सुनकर और सभी शिष्य चल दिए। जब वहां जाके पहुंचे खेत में तो देख रहा है जो संदेह था वही, खेत का मेल टूटा हुआ था, पानी निकल रहा था। शिष्य ने सभी जो था वो मेल को मरम्मत करने का, बांधने का बहुत कोशिश की, लेकिन मेल बंध नहीं पाया, पानी रिसते रहा। चार शिष्य गए थे, तीन शिष्य लौट के चले गए आश्रम में, लेकिन आरुणी कहा कि लौट के हम नहीं जाएंगे, हम पानी को रोकेंगे। और आरुणी ने क्या किया कि वो मेल पर ही सो गए और पानी को रोक दिया। जब रात हुआ वहां अंधेरा, गुरु ने पूछे कि सब आ गए, आरुणी कहां है, तो बताया कि वही है, चले अब
अंधेरी रात में बारिश हो रहा था, बिजली चमक रहा था। गुरु जी अपने शिष्य के साथ आरुणि की खोजने के लिए निकल पड़े जंगल में। आरुणि आरुणि, गुरु जी चिल्ला रहे थे, बेटा आरुणि। अब तो वो क्या था, एकदम शरीर उसको ठंडा से पूरा रक्त जो है जम रहा था, गोली कहां से निकलता। धीरे से आवाज आया, गुरु जी। अब आवाज सुनकर गुरु जी वहां जब पहुंचे तो देख रहा कि आरुणि जो है खेत पर पड़ा हुआ। उन्होंने उठाया और अपने शिष्य आरुणि को गले से लगा, गले से लगा लिया। ये है क्या, गुरु शिष्य परंपरा की झलक है। और जानते हैं वो आरुणि कौन था, बड़ा होके क्या बना, वेदों का ज्ञाता बना, वेदों का ज्ञाता बना। और सबसे बड़ा उसी का नाम है उद्दलक ऋषि, उद्दलक ऋषि है ना, लिख लीजिए उद्दलक ऋषि, बड़ा होकर बने उद्दलक ऋषि है ना, वेदों का ज्ञाता बने है ना। तो ये है शिष्य गुरु की परंपरा है ना। तो आपने आज जो वैदिक काल में क्या हमारा विभिन्न व्यायाम था उसको हमने जानने का काम किए है ना। अब भाग दो में जो आप इसका आयाम हम पढ़ेंगे, लेकिन आज जो है गुरु शिष्य की परंपरा के साथ जो है हम भाग एक वैदिक काल को हम लोग समाप्त करते हैं।